हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आपके अपने किचन में। तो आज की रेसिपी आपको देख के पता चल ही गया होगा। तो आज हमारी रेसिपी होने वाली है क्रिस्पी क्रंची टेस्टी सा पकौड़ा। तो ये पकौड़े गोभी के हैं, जो कि अभी ठंडे के सीज़न में गोभी बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए ये देखिए, मैंने गोभी को कट करके लिया है छोटे छोटे पीसेस में। इसके डंठल मोटे वाले भाग को नहीं लेंगे, इस तरह से थोड़े लंबे लंबे से मैंने कट किया है। और प्याज को भी ये देखिए, लंबे लंबे ही स्लाइस में कट करना है, फाइनली चॉप नहीं करना है, बारीक नहीं कट करना। हरी मिर्च दो है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा ये चावल का आटा है, थोड़ा सा ये ग्राम फ्लोर है, बेसन, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और अजवाइन है थोड़ी से, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पकौड़े में। और ठंडी में अजवाइन वैसे भी बहुत फायदा, और नमक भी लिया था मैंने। तो अब हम चलिए सभी मसालों को मिक्स करते हैं। तो ये मैंने गोभी डाला, प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हो, लहसुन, तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से अब हम पकौड़ों का डो लगाएंगे। चावल का आटा, अगर घर में राइस फ्लोर अवेलेबल ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा डालने से पकौड़े क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो नहीं हो तो भी आप बना सकते हैं, इसके जगह पे आप 2 टेबल स्पून सूजी का यूज कर सकते हैं। और अगर सूजी भी ना डालना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो सभी मसालों को हम ऐड कर लेंगे। तीखा आप अपने इच्छा अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालें मिर्च, और कम तो कम भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे सभी मसालों को मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती भी डाला था, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में। तो अब हम इसे इस तरह से इसका डो लगाएंगे, देखेंगे लगाते हुए बाइंडिंग आ रही है तो सही है, और अगर बाइंडिंग ना आए तो थोड़ा सा बेसन या थोड़ा सा चावल का आटा और ले लेंगे। अगर बाइंडिंग नहीं आएगी ना तो क्या होंगे, पकौड़े तेल में जाने के साथ फंस जाएंगे। तो ये देखिए हमारी बाइंडिंग तो आ रही है, तो मतलब हमारे पकौड़े के लिए डो परफेक्ट है। तो ये देखिए अब इसमें रिफाइन ऑयल डालेंगे, पकौड़े का शेप बनाएंगे, और इस तरह से इसे डालेंगे गर्म ऑयल में, और फ्लेम मीडियम रहेगा, लो नहीं रहेगा और हाई भी नहीं रहेगा। तो फ्लेम हमारा यहाँ पे मीडियम ही रहेगा, पकौड़े मीडियम फ्लेम पे बड़े ही अच्छे बनते हैं और अंदर तक सिक जाते हैं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे खाने में लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक तरफ से हमारे पकौड़े सिक चुके हैं परफेक्ट, कलर देखिए गोल्डन ब्राउन, बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से हम पलट लेंगे पकौड़ों को। तो ये यहाँ पे दोनों तरफ से सिक चुके हैं, तो अब हम पकौड़ों को निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे, और फिर से बैटर जो पकौड़े का डो है उस तरह से उसे फिर से डालेंगे, और इसी तरह सारे पकौड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को निकाल लेंगे, देख रहे हैं ना कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है, बहुत ही अच्छा सा कलर है, और खाने में तो ये बड़े ही टेस्टी लगेंगे। और ठंड के दिन में ऐसे भी पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसी तरह हम सारे पकौड़ों को तल लेंगे। शेप आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़े छोटे, या फिर मैं बना रही हूँ उससे थोड़े बड़े भी डाल सकते हैं। तो फाइनली पकौड़े रेडी हो गए हैं, तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी, दही किसी के साथ खाएं, चाय के साथ भी इस शाम के समय ले सकते हैं। तो ये रेसिपी हमारी कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल व्यू।